आखिरकार नुसरत जहां ने मौलवियों को जबरदस्त जवाब दे दिया है, ऐसा जवाब जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद नुसरत जहां शादी के बाद शपथ लेने लोकसभा पहुंची थी, बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में, वही भारतीय वेशभूषा, और उसके बाद हर किसी ने उनकी तारीफ की। बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र दिखाई दिया, मेहंदी दिखाई दी, इसी पर सवाल उठा दिया, मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया। लेकिन अब वो सामने आ गई है, सामने आकर उन्होंने तस्वीरें पोस्ट की हैं और इन तस्वीरों के जरिए जवाब दिया है। जरा पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दिखाती है कि आखिरकार वो किसे चढ़ा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तीसरी तस्वीर देखिए, और ये चौथी तस्वीर, ये तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं। साफ शब्दों में ये तो तस्वीरों की बात थी, लेकिन तस्वीर के बाद लिखावट भी सामने आ गई, यानी जवाब लिखित में दिया है। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट पर ये जवाब सामने आया। उन्होंने कहा, मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हूं जो जाति, धर्म और पंथ की सीमाओं से परे है। जहां तक मेरी बात है तो मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती हूं। मैं अब भी मुस्लिम हूं। उन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं। आपका विश्वास पहनावे से परे होता है। सभी धर्मों के मूल्यवान सिद्धांतों में मेरा विश्वास करने और उन्हें मानना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। यानी वो सभी धर्मों पर पूरी तरह से विश्वास करती हैं। ये मुल्ला मौलवियों को समझ में आ गया होगा। अब फतवा जारी करते वक्त वो हजार बार या कहीं 50,000 बार उनको सोचना चाहिए कि आखिरकार वो किस तरह के फतवे जारी कर रहे हैं। एक सांसद के शपथ लेने पर उन्हें क्या आपत्ति हो रही है। वैसे भी आपको बता दें, जब उन्होंने शपथ ली थी तो देखिए क्या बोला था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वर नामे शपथ करितेछि जे आमी विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारत संविधान प्रति प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारत सार्वभौमत्व और संहति रक्षा करिया चलिब एवं जे कर्तव्य भार आमी ग्रहण करिते चलियाछि ताहा आमी विश्वस्त भावे निर्वाह करिब। जय हिंद वंदे मातरम जय बांग्ला, जय हिंद वंदे मातरम जय बांग्ला। तो आपने देख लिया, शपथ भी देख ली, अंदाज भी देख लिया, जवाब भी देख लिया और लिखित जवाब भी देख लिया। अब वो चिढ़ तो रहे होंगे, लेकिन इस चिढ़ावट में कर भी क्या सकते हैं। एक सांसद हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, तो भला इसमें गलत क्या है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, नुसरत जहां ने सही जवाब दिया, क्या नुसरत जहां ने वाकई गलत किया। अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। फिर मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।